अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद जुनेद। आप देख रहे हैं कूल टेक्निकल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको स्टीम प्रेस को इस्तेमाल करने का तरीका बताने की कोशिश करूंगा। इसमें ये जो नोज़ल लगी हुई है, ये स्प्रे करने के लिए, ये देखें, और इसमें पानी यहाँ से डाला जाता है। अब इसमें पानी कितना डालना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम, यहाँ तक पानी। अब हम इसमें पानी डालते हैं। पानी इसमें ये निशान लगा हुआ है, मैक्सिमम लिखा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक पानी डालना चाहिए। ठीक हो गया। अब हम इसको ऑन करके चेक कर लेते हैं। इसकी नाप जो है थर्मोस्टेट की, उस पर लिखा हुआ है कि कौन से कपड़ा आपने इस्तेमाल करना है, सिल्क करना है, वूल करना है, कॉटन, जो भी कपड़ा आपने इस्त्री करना है, प्रेस करना है, वहाँ पर आप रख कर इसको ऑन कर दें। अब मैं इसको ऑन करके देखता हूँ। ये लाइट इसकी ऑन हो गई है, लेकिन इस्त्री ये फुल ऑटोमेटिक है। इसमें एक ख़ास फंक्शन लगा हुआ है कि इसको इस तरह रखेंगे कभी भी ये ऑन नहीं होगी। इसको इस्तेमाल करने के लिए इसको इस तरह रखेंगे, तकरीबन 30 सेकंड के बाद ये खुद खुद ऑन होगी। ये देखें दोस्तों, ये अब ऑन हो चुकी है। और एम्पियर देखें, 8.7 एम्पियर हैं इसके। अब हम इसको कपड़े पर रखकर इस्तेमाल करते हैं। अगर इस नाव को फुल लेफ़्ट साइड में करेंगे तो ये स्टीम नहीं बनाएगी। अगर इसको बटन को प्रेस करेंगे सीधा, अगर इस तरह कोई कपड़ा सीधा पड़ा हुआ है तो उससे ये देखें स्टीम कर सकते हैं। लेकिन अगर कपड़ा सीधा पड़ा हुआ है उसको इस्त्री करना है, आप सिर्फ सिंपल इसको लेफ़्ट साइड में फुल कर दें, ये स्टीम नहीं करेगी। आप इसी तरह सादा इस्त्री कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, हाफिज़।